के पीछे आपकी फोटो आ रही है। ओके, चैप्टर नंबर 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, सबके पास में बुक है, सब अपनी ओपन कर लीजिए बुक को। अब जो आते जाएंगे उनको एडमिट करते रहिएगा। बुक लेकर के रहो बेटा। अच्छा माओ कहाँ हो? ओके, तो इससे पहले के जो आपके 8 चैप्टर्स थे वो मैंने हाफ ईयरली में ही कंप्लीट करा दिए थे, लेकिन चैप्टर नंबर 8 आपका हाफ ईयरली एग्जाम में मैंने पूछा नहीं था, सिर्फ 7 तक ही मैंने आपको हाफ ईयरली एग्जाम में दिया था। तो जो आपका लास्ट का चैप्टर्स है वो है 8, 9, 10, लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो हम अब जो आपको लास्ट के 2 चैप्टर्स और बचे हुए हैं वो भी मुझे इधर जल्दी से कंप्लीट कराने हैं। तो आज मैं चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर दे रही हूँ, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी का स्पोर्ट्स से क्या रिलेशन है और किस तरीके से ये हमारे रिलेटेड होता है स्पोर्ट्स से। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में आप देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं अपना, कि इंट्रोडक्शन में क्या है। दीज डेज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस आर वेरी टफ, प्लेयर्स आर यूजिंग बेस्ट टेक्निक्स एंड बेस्ट ट्रेनिंग मेथड्स फॉर बेटर रिजल्ट ड्यूरिंग कॉम्पिटिशंस, इवन देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट। मतलब आज के टाइम पे ऐसा आपने मोस्टली देखा है कि हर कोई पर्सन इतना ज्यादा मतलब ट्रेवल करने के बाद में भी क्या होता है, लास्ट में उसका जो रिजल्ट होता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है। ठीक है, मोस्टली फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है या स्पोर्ट्स फील्ड में ये होता है कि इतना ज्यादा ट्रेनिंग लेने के बाद में भी मतलब बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से ये बहुत टफ कॉम्पिटिशन हो गया है फिजिकल एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, इवन देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट, थस द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी वाज रियलाइज्ड इन फिजिकल एजुकेशन टू गिव बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ऑफ प्लेयर्स। इसी को एक पॉसिबल रिजल्ट के रूप में देने के लिए जो हमारा साइकोलॉजी है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। ठीक है, साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम लोगों ने मतलब या स्पोर्ट्स फील्ड में या फिजिकल एजुकेशन या हर किसी भी आप फील्ड में देखेंगे तो साइकोलॉजी का यूज करके बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है जिनको हम गेन मतलब आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन पीरियड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, हमारा एक साइकोलॉजी से रिलेटेड है जिसमें कि हमारा जो एक साइकोलॉजी तो आप लोग समझ में रहे मतलब नॉर्मल साइकोलॉजी जो होती है, लेकिन जब इसको हम स्पोर्ट्स रिलेटेड करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी बन जाती है। ओके, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या हो जाता है कि हमारी जो और चीजें होती है जैसे कि हम साइकोलॉजी को स्पोर्ट्स फील्ड से ऐड कर देते हैं, तो वो सारी चीजें वो जब हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाती है तो वो हमारी क्या हो जाती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ओके, इट गाइड्स कोचेस एंड प्लेयर्स टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन रिगार्डिंग वेरियस मेथड्स एंड वेरियस मोटिवेशनल टेक्निक्स। इट गाइड्स स्पोर्ट्स एथिक्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप टू डेवलप स्पोर्ट्स एटीट्यूड। द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स कोचेस एंड प्लेयर्स टू स्ट्रेस एंजाइटी एंड मेथड्स टू कंट्रोल एंजाइटी लेवल। मतलब कि एक तरीके से एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर जो हमारा एंजाइटी लेवल होता है उसको कंट्रोल करना या उसको हेल्प करना, ये सारी चीजें क्या करता है मतलब इसको हम किस तरीके से कंट्रोल में करते हैं ये भी हम एक साइकोलॉजी के थ्रू ही सीख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स फील्ड में आपने देखा है मोस्टली जो पर्सन होते हैं उनके अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है ना कि वो अपने साथ साथ अपना पूरा मतलब पीछे के और लोगों को लेकर के चल रहे होते हैं कि अगर उनका परफॉर्मेंस जरा सा भी इधर से उधर हुआ तो वो कहीं अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या फिर मतलब कभी कभी लोग जो हमारी कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं वो क्या करते हैं कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर जो स्ट्रेस लेवल जितना होता है उतना शायद से एक नॉर्मल पर्सन के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए उनका जो एंजाइटी लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं साइकोलॉजी का यूज करते हैं। द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स कोचेस एंड प्लेयर्स टू स्ट्रेस एंजाइटी It also helps to tackle various problems of life. This chapter will help to understand the importance of psychology in our life, especially in the field of physical education. एक तरीके से ये आपको जितना मतलब कि हम अपनी लाइफ में कैसे मतलब डील करते हैं साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस ये चीज तो हम जानते हैं, बट फिजिकल एजुकेशन में हमारा साइकोलॉजी किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये हम लोग इस चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी आप सबको भी पर्सनैलिटी के अगर आपको बताया जाए कि पर्सनैलिटी अगर कोई पूछेगा तो ये नॉर्मल आप अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। तो
ओके, तो हमारा जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से आप लोग खुद से मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी देख करके हम उसके पूरा मतलब ये देख लेते हैं कि हाँ उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो वो इस तरीके से इस प्रोफेशनल से मतलब उसका एक तरीके से उसका अलग एक यूनिक दिखाई देता है अलग से ही। ठीक है, होता नहीं है कि किसी भी पर्सन अगर आपके सामने कोई पहले ही एंटर करता है तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है कि उसकी हम लोग पर्सनैलिटी देखते हैं कि हाँ वो किस तरीके से उसका। साथ साथ पर्सनैलिटी में आप लोग का ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारा मतलब कि फीचर्स सिर्फ हमारे क्लोथ से या फिर हमारे मतलब जो स्टाइल होता है उसको ही देख करके लोग अंदाजा लगाएं। कभी कभी पर्सनैलिटी का मेन जो रियलिटी जो होती है पर्सनैलिटी की, तो वो क्या होता है आपका ये देखा जाता है कि आप मेंटली फिट हैं या नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें आपकी तीनों चीजें आ जाती हैं, फिजिकली मेंटली एंड सोशली, तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके बाद में आप पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं अच्छे से। ओके, सेम इसमें अब हम लोग देखते हैं, पर्सनैलिटी इज द टिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेवियर behaviors that make a person unique। मतलब personality एक typical pattern होता है जो क्या करता है एक person को क्या करता है unique बनाता है। okay? Personality is defined as the enduring personal characteristics of individuals। In other words, personality is the combination of characteristics of qualities that an individual distinctly possesses। And personality usually means that an individual is much more than his outer appearance। Appearance, that means कि आपका जितना भी आपने बाहर से सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट एक मतलब होता है ना किसी पर्सन को देख के क्या करता है, मतलब हम लोग क्या क्या सोचते हैं कि इसका अपीयरेंस मतलब कितना मतलब गुड लुकिंग है या कितना अच्छा इसका स्टाइल है, ये सारी चीजें हमारा फर्स्ट होता है कि हमने उसकी पर्सनैलिटी जो होती है मतलब बहुत अच्छी लगती है देखने में। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हम लोग आते हैं कि अब आपके सामने जब वो आपसे कॉन्टेक्ट करता है या मतलब फेस टू फेस कॉन्टेक्ट आपका होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, उसके बाद हम लोग सेकंड ध्यान जानते हैं कि उसका बिहेवियर किस टाइप का है। ठीक है, देन उसका मेंटली मतलब वो मेंटली फिट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से आपकी जब ये कॉम्बिनेशन जब पूरा कलेक्ट होता है एक साथ में होता है तब जाकर कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो मेंटेन होती है। ओके, अब इसमें हमारी कुछ डेफिनेशंस बताई गई है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। मतलब कि एक यूनिक पैटर्न होता है पर्सनैलिटी। ठीक है, सेकंड इसमें बोला डेफिनेशन दी गई, अकॉर्डिंग टू बेक एंड हन, पर्सनैलिटी रिफर्स टू द होल बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि जो आपका एक टोटली किस तरीके से आपकी क्वालिटीज हैं, ठीक है, आपकी क्वालिटीज में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं कि आपकी जो मतलब आपने अपीयरेंस जो कर रखा है या आपका मतलब एक स्टाइल हो गया, सारी चीजें मतलब मोस्टली आपका बिहेवियर हो गया या सोशली आपका जो मतलब एक होता नहीं दूसरे के साथ में किस तरीके से आप वहाँ पे उसको फेस कर रहे हैं, किस तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट मतलब ट्रीट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जब आपको कॉमनली जब पूरा एक यूज होता है तब जाकर कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो मेंटेन हो पाती है। ठीक है, तो ये आपकी टू डेफिनेशन हो गई है, इसको आप लोग नोट्स में दो टू डेफिनेशन आपको लिखनी है और दोनों लर्न भी करनी है। आफ्टर दैट पर्सनैलिटी कौन सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी मतलब जैसे कि डेफिनेशन इसमें दे रखी, अगर आप ऑथर नेम के साथ में लिखते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, भी तो ऑथर नेम आपको वो लर्न रहेगी। ओके, जैसे कि अभी इसमें आपने डेफिनेशन सेम वही डेफिनेशन है जिसने मतलब ये जो सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग है वही डेफिनेशन है जो ऊपर उन्होंने दे रखा वही सेम नीचे भी दे रखा है, बस उसमें कुछ स्टेप उन्होंने कम कर दिए हैं। ठीक है, बाकी पर्सनैलिटी इंक्लूड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सेस पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि पर्सनैलिटी के अंदर जो आपका एक इमोशनल होता है ये भी पैटर्न जो होता है वो ऐड होता है। ठीक है, इमोशनली कैसे कि अगर किसी पर्सनैलिटी मतलब आप किसी पर्सन को देखेंगे अगर देख रहे हैं कि वो एक क्रिटिकल कंडीशन में भी अपनी मतलब इमोशंस को कंट्रोल में करके रखता है, दैट मीन्स कि वो मतलब एक अच्छा पर्सनली उसका मतलब वहां पे भी उसकी पर्सनैलिटी जो होती है वो शो ऑफ होती है कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके से है। ठीक है, या बिहेवियर से तो आपको समझ में आता है कि हाँ वो बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट आता हमारा, पर्सनैलिटी इज द ग्रेट डिसीजन मेड थ्रू आउट हिज लाइफ एंड द मेमोरी ऑफ द एक्सपीरियंसेस व्हिच लेड टू दीज डिसीजंस, इट इज यूजुअली रिमेन्स कांस्टेंट throughout life. When we say that someone has good personality, we mean that he is likable, interesting and pleasant to be with. मतलब कि जब हम किसी को बोलते हैं कि good personality, कैसे बोल देते हैं good personality? जब हम उसकी सारी चीजों को मतलब देख लेते हैं कि हाँ उसका appearance भी अच्छा है, उसका physically behavior भी अच्छा है, मतलब socially रूप से भी वो fit है, उसके साथ साथ वो emotionally भी मतलब almost fit होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कितना होता है मतलब ये दिखाती है कि हाँ उसकी पर्सनैलिटी जो है वो गुड है।
ये मतलब जब आपको कई कॉम्बिनेशन दिखता है उसके बाद ही आप ये चीज बोल पाते हैं कि हाँ ये गुड पर्सनैलिटी का। सिर्फ अपेयरेंस देख के हम लोग नहीं बोल सकते, बाई चांस कोई पर्सन ऐसा एंटर करता है जिसमें बहुत अच्छा मतलब उसका मतलब लुक देखने में बहुत यूनिक लग रहा है, बट जब आप उससे बात कर रहे हैं उसको बात करने की तमीज नहीं है तो क्या होगा, उसकी पर्सनैलिटी मेंटेन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक पर्सनैलिटी का मीन्स ये होता है कि आप पूरे तरीके से डेवलप्ड हैं, तब जाकर हम उसको बोल पाते हैं कि हाँ गुड पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी है इसकी, ठीक है। नॉर्मली तो मोस्टली आप लोगों ने देखा है कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की मतलब पर्सनैलिटी को देख के सबसे जो पहला हमारा फर्क पड़ता है उसकी फिजिक बॉडी को देख करके लोग कहते हैं कि हाँ गुड लुकिंग, मतलब कि इसका पर्सनैलिटी जो है वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब आप और इंटरनली जाते हैं और आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि और भी क्या क्या चीजें नीड होती है जो हमें पर्सनैलिटी को दिखाती है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अब आते हैं कि पर्सनैलिटी है फोर डायमेंशन की, पर्सनैलिटी को हम लोग फोर टाइप्स में मतलब देख सकते हैं किस तरीके से ये हमें हेल्प मतलब किस तरीके से पर्सनैलिटी को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट आ गया फिजिकल डायमेंशन, इट इज रिलेटेड विद अपीयरेंस शेप साइज स्ट्रक्चर वेट हाइट स्किन कलर एक्सेट्रा। मतलब कि जो आपका फर्स्ट होता है हम लोग क्या करते हैं फिजिकली डायमेंशन देखते हैं, ठीक है। जब कोई पर्सन एंटर करता है या किसी पर्सन को आप लोग देखते हैं तो हम लोग क्या देख करके बोलते हैं कि वाओ क्या कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है उसका, हम लोग या तो अपीयरेंस देखते हैं या तो उसका शेप साइज या वेट या हाइट ये सब देख के ही बोलते हैं ना कि हाँ अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, उसने जो पहन रखा होता मतलब उसने जो कैरी कर रखा है मतलब जो उसका जैसे कि उसने किस तरीके के फॉर्मल ड्रेस पहन रखा है या क्या मतलब ड्रेसिंग सेंस पूरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद थॉट्स आइडियाज नॉलेज एक्सेट्रा। मेंटल डायमेंशन ये हमारा किससे मेंटली रिलेटेड, मतलब कि उसके थॉट्स किस तरीके के हैं, ठीक है, और उसका जो आइडिया है या उसकी जो नॉलेज है क्या जिस अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी है क्या उस अकॉर्डिंग उसकी नॉलेज उसका आइडिया ये सब चीजें हैं या नहीं है। तो ये क्या होता है, ये भी हमारा सेकंड डायमेंशन हो गया मेंटली रूप से। होता नहीं कि मतलब ये हर कैटेगरी में अलग अलग डिवाइडेड होता है कि फिजिकली रूप से आपने देख लिया देन उसके बाद हमने क्या दिया मेंटली, तो मेंटली में किस तरीके से आप देखेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी फिट है या नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद सोशल क्वालिटीज लाइक एडजस्टमेंट कोऑपरेशन टुगेदरनेस डिसिप्लिन लीडरशिप एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आया हमारा सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में क्या होता है, एक पर्सनैलिटी आप सोशली रूप से कैसे दिखाएंगे, अगर वो पर्सन सोशली रूप से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, कहीं भी उसे किस कोई भी इन्वायरमेंट दिया जा रहा है लेकिन वो उस इन्वायरमेंट में जाकर के वो क्या कर रहा है अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ओके। एडजस्ट करने का मतलब कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी मैं क्लासेस से ले लेती हूँ कि आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है तो आपने वहां पे अपने आपको एक इजी वे में आपने एडजस्ट कर लिया, बट आपकी ऑनलाइन क्लासेस चली, बहुत से पर्सन ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन थे जिन्होंने उस चीज में भी अपने आप को एडजस्ट किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब हमें स्टडीज करनी है, ठीक है, उन्होंने उस चीज को नॉलेज लेने के लिए किसी ना किसी तरीके अपने आप को एडजस्ट किया। या कहीं पे भी गेम्स में भी देख लीजिए आप लोग, जब कोई एक नया पर्सन आता है और वो मतलब और जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ में खेलता है तो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है, या कोई नया स्टूडेंट आता है उसके बाद में जब वो आप लोगों के साथ में रहकर कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है, सेम इसी तरीके से। इसके बाद में फिर हमारा कॉपरेशन, कोई भी अगर कुछ भी वर्क हो रहा है कोई भी चीज वहां पे कॉपरेट करना है तो उस चीज के लिए वो ऑलवेज रेडी रहेगा, ठीक है। कॉपरेशन हो गया, टुगेदरनेस, डिसिप्लिन, और सबसे मेन जो एम होता है कि वो डिसिप्लिन होता है, सबसे मतलब जो हमारा पर्सनैलिटी में जो दिखाया जाता है कि वो पर्सन जो होता है बिल्कुल डिसिप्लिन होता है अपने काम को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के, या अपनी मतलब सारी चीजों को लेकर के, ठीक है, कोई भी मतलब उसके जो रिलेटेड थॉट्स होते हैं या जो भी चीजें होती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब कि एक तरीके से जब आपको होता नहीं है कि हम लोग किसी पर्सन को लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाती है किसी को, तो क्या होता है कि किस तरीके से आप अपनी क्लास को मेंटेन करेंगे या अपनी आपको टीम कैप्टन बनाया गया है तो उस टाइम अपनी आप टीम को कैसे मतलब वहां पे एडजस्ट करके रखेंगे या उसको एक साथ रखेंगे, टीम वर्क जो आपको कराना है वो किस तरीके से कराएंगे, ठीक है। नहीं ओवर नहीं हुई होगी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हुई होगी। अच्छा, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ करना प्लीज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद बिहेवियर एटीट्यूड इंटरेस्ट एंगर हैप्पी जॉयफुलनेस क्यूरियोसिटी एक्सेट्रा। मतलब कि ये हमारा जो होता है ये हमारे बिहेवियर से, हमारे इमोशंस मतलब कि आपके हैप्पीनेस से, आपके मतलब जॉयफुलनेस से, या फिर क्या कहते हैं एंग्रीनेस से, मतलब इन सारी चीजों से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इमोशनली कंट्रोल
उसके अंदर होना चाहिए. ओके, अगर एक पर्सनालिटी आपको मेंटेन करनी है तो आपके अंदर ये सारे डायमेंशन एक फुल तरीके से होने चाहते हैं, तब जाकर के आप कह मतलब बोला जाता है कि हाँ उस मतलब उसके पास में गुड पर्सनालिटी है. ठीक है, सिर्फ और लेकिन लोगों का क्या होता है वो अलग अलग तरीके से उसको मेंटेन करते हैं. ठीक है, मतलब कैटेगराइज कर देते हैं कि हाँ वो फिजिकली रूप से फिट है, मतलब फिजिकली वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है. कभी कभी होता है कि किसी किसी की मेंटली रूप से वो फिट होता है, तो मेंटली रूप से उसकी पर्सनैलिटी देखी जाती है कि वो मेंटली रूप से उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है. ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग डायमेंशन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग पहचानते हैं कि किसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है. ओके, इसके बाद में अब हमारे आता मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि सेल्डन्स क्लासिफिकेशन बॉडी स्ट्रक्चर पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी, मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर के उस साथ में हम किस तरीके से अपनी मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है किस तरीके से डिवाइड करते हैं. ठीक है, पर्सनालिटी उसको डिवाइड किया किसने, सेल्डन्स ने. सेल्डन के अकॉर्डिंग बताया गया, अकॉर्डिंग टू विलियम हर्बर्ट सेल्डन द पर्सनालिटीज आर ऑफ थ्री टाइप्स बेस्ड अपॉन बॉडी स्ट्रक्चर्स, मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे जो हमारे सेल्डन ऑथर है उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड किया है थ्री पार्ट्स में, किसमें, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक. ठीक है, तो इसमें जो हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसके डिफरेंट साइज कैटेगरीज डिवाइड की गई है कि कौन किस कैटेगरी में पर्सन आता है. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ हाइट में लंबा है या चौड़ा है वही सिर्फ अच्छी पर्सनैलिटीज का होता है, मतलब कैटेगरी वाइज उसको हर पर्सनैलिटी में रख दिया गया कि कौन किस कैटेगरी में आ रहा है और किस तरीके से वो पर्सनालिटी उसकी फिट है या नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एंडोमॉर्फिक. एंडोमॉर्फिक में क्या होता है, दे आर आल्सो नोन एज वाइजोटोनिक, मतलब एक तरीके से ये बहुत वाइजोटोनिक रूप में माने जाते हैं कि मतलब बहुत बुद्धिमान टाइप के माने जाते हैं. ठीक है, एंड एंडोमॉर्फिक बुद्धिमान मींस मतलब कि होता नहीं कि चालाक रूप में, इस टाइप में माना गया इनको. ठीक है, एंड एंडोमॉर्फिक पर्सन इज जनरली स्टॉकी विद लार्ज राउंड बॉडी, शॉर्ट नेक, शॉर्ट आर्म एंड वाइड हिप्स, मतलब कि इनका जनरली जो होता है इनकी जो बॉडी मतलब होती है वो लार्ज होती है, इसके साथ साथ इनकी नेक जो होती है वो शॉर्ट होती है. ओके, शॉर्ट आर्म्स मतलब छोटे हाथ पैर होते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ वाइड हिप्स मतलब वाइड हिप्स होती है. दे हैव लॉट ऑफ फैट ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के अंदर जो होता है फैट होता है वो मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है. दे आर लो इन फिजिकल फिटनेस लेवल रिलेटेड टू स्पीड एंड एंड्योरेंस, व्हेयरएज दे हैव मैसिव स्ट्रेंथ थस गुड इन पावर गेम्स और स्पोर्ट्स. वो क्या होता है मतलब उनके अंदर फिजिकल फिटनेस लेवल जो होता है वो कम होता है, बट उनके अंदर क्या होता है स्ट्रेंथ पावर जो होती है वो एक्स्ट्रा होती है अकॉर्डिंग टू स्पीड वाले पर्सन के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है मतलब इसको जो पावर गेम्स होते हैं और स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है इस टाइप के पर्सन को. ओके, एंडोमॉर्फिक आर कम्फर्ट लविंग पीसफुल सोसाइबल रिलैक्स्ड टॉलरेंट पर्सन, मतलब कि ये जो हमारे इस टाइप के पर्सन होते हैं बहुत पीसफुल होते हैं, मतलब कि बहुत और मतलब हमेशा खुश मिजाज वाले इस टाइप के होते हैं कि मतलब और किसी भी पर्सन से मतलब मिलजुल के रहना लाइक दैट हर्ट्स. ठीक है, कभी कभी बात हो जाती है मतलब इधर उधर, लेकिन होता नहीं कि ये इस कैटेगरी के पर्सन से आता है. ओके, दे आर फन लविंग गुड हॉनवर्ड इवन टेम्पर्ड फूड लवर, और खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं कि ये खाने के लिए चाहिए वो खाने के लिए चाहिए. देखा होगा आप लोगों ने, ये मोस्टली हैबिट इसकी होगी कि नहीं हाँ मैम ये खाना है वो खाना है, या कुछ भी मतलब कहीं पे भी होगा जो साथ में रहता होगा वो इस चीज को देखता होगा, जो मिलता होगा वो खाने में कुछ भी दे दो खाने के लिए रेडी है. नेक्स्ट हमारा आता है मेसोमॉर्फिक. ठीक है, तो फर्स्ट आपको समझ में आया एंडोमॉर्फ, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? देविक yes, नहीं आ रही है. ओके, नहीं आ रही है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेसोमॉर्फिक. तो मेसोमॉर्फिक में हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के पर्सन होते हैं. दीज पर्सन्स हैव मस्कुलर बॉडी विद ब्रॉड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स विद मीडियम हाइट, मतलब ये हमारे मीडियम हाइट के होते हैं और इनके जो चेस्ट होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, इसके साथ है स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं. ठीक है, मेसोमॉर्फिक पर्सन हैज गुड स्ट्रेंथ स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मतलब कि ये जो होते हैं मीडियम हाइट के होने के साथ साथ इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो एक तरीके से अट्रैक्टिव होती है. ठीक है, और स्ट्रेंथ स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये सारे कॉम्बिनेशन जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं. दे आर गुड फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज. इस टाइप के जो पर्सन होते हैं जो मतलब कि मेसोमॉर्फिक टाइप के जो पर्सन होते हैं वो ऑल एक्टिविटीज के लिए मतलब इंपॉर्टेंट मतलब होता है कि नहीं कि मतलब वो किसी भी एक्टिविटीज उनको बोल दिया तो वो करने के लिए रेडी हो सकते हैं और वो उसके लिए कैपेबल भी होते हैं. ओके, देयर पर्सनालिटी कैरेक्टर सेज दैट दे आर एक्टिव असर्टिव वैजरियस एंड कॉम्बेटिव पर्सन, दे आर एडवेंचर्स एंड करेजियस पीपल.
मतलब कि ये क्या होता है ना कि मतलब वो सेल्फ डिपेंड होना मतलब करेज के रूप में मतलब बहुत की होता है कि बहुत साहसी टाइप के होते हैं कि मतलब अगर उन्हें मुझसे कुछ भी कह दिया जाएगा तो वो एक्टिविटी से पार्टिसिपेट करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे हो गए मेसोमॉर्फिक टाइप के पर्सन। तो मेसोमॉर्फिक में आपको समझ में आया कि मीडियम की हाइट के होते हैं, लॉन्ग मतलब ब्रॉड चेस्ट होता है और मतलब कि इनका जो लेग्स होता है वो स्ट्रांग होता है। साथ साथ इसके हम लास्ट पॉइंट देखते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में क्या होता है, दे आर स्लिम एंड थिन विद नैरो फेस, शोल्डर, चेस्ट एंड हिप्स, दे हैव लो फैट ऑन देयर बॉडी। मतलब एक्टोमॉर्फिक के जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लंबे से होते हैं और उनके अंदर फैट जो होता है वो कम होता है। इसके साथ साथ मतलब बहुत क्या कहते हैं स्लिम ट्रिम होते हैं और क्या कहते हैं इनका जो फेस होता है वो नैरो शेप में होता है। ठीक है, इसके बाद में एक्टोमॉर्फिक हैव लेस स्ट्रेंथ वेयर एज दे डोमिनेट इन एंड्योरेंस एक्टिविटी। मतलब कि जो इस टाइप के पर्सन होते हैं जिनकी बॉडी में मतलब जो स्लिम ट्रिम होते हैं मतलब स्लिम टाइप के होते हैं उसमें क्या होता है स्ट्रेंथ की जो मतलब कैपेसिटी होती है वो कम होती है, तभी वो लोग क्या करते हैं एक्टिविटीज को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटीज को नहीं कर परफॉर्म करने में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ओके, पर्सनैलिटी वाइज दे आर यूनिक सॉरी दे आर क्वाइट सेंसिटिव फ्रेगाइल एंड रेस्ट्रेंड एंड नॉन असर्टिव, दे टेंड टू बी सेल्फ कॉन्शियस, सोशली एंजाइज and yes, artist and thoughtful. They are afraid to branch out to out or separated. Sorry. मतलब कि ये क्या कहते हैं मतलब एक तरीके से थोड़ा सा conscious type में रहते हैं, मतलब कि ना किसी से ज्यादा बातचीत करना ना कुछ मतलब self मतलब उसमें ज्यादा वो रहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर मतलब क्या होता है जैसे कि रनिंग वगैरह कुछ इस टाइप के जो गेम्स होते हैं वो इसके लिए होते हैं, बाकी इस मतलब ये नहीं उनसे अगर कोई स्ट्रेंथ का आपको गेम कराया जाएगा तो वो इस गेम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेल्डन्स का क्लासिफिकेशन। बाय चांस आपसे कभी नोट्स में या कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सेल्डन्स के क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का होता है, उसमें किस किस रूप में कैटेगरी को बॉडी क्वेश्चन को डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा सेल्डन्स ने हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड किया, कौन कौन सा, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, इस सीक्वेंस वाइज आप लोग को याद रहेगा तो अच्छा रहेगा कि मतलब जो हमारा एंडोमॉर्फिक होता है वो शॉर्ट हाइट के होते हैं और मतलब फैट ज्यादा होता है बॉडी में। ठीक है, छोटी नेक होती है, छोटे हाथ हाथ पैर होते हैं, इस टाइप में होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारा आ जाएगा मीडियम हाइट में। ठीक है, मीडियम हाइट के हो गए और उसके बाद जो हमारा लास्ट हो गया वो एकदम स्लिम पर्सन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेल्डन्स का जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जंक्स क्लासिफिकेशन। जंक्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया है पर्सनैलिटी का वो किस तरीके से दिया, सोशल डायमेंशनल पर्सनैलिटी। अभी तक आपने देखा कि हमारी जो पर्सनैलिटी थी वो फिजिकली रूप से किस तरीके से उसने मतलब गाड़ी निकालो राइट किया। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो सोशल डायमेंशन पर्सनैलिटी। ठीक है, तो सोशल में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोशल डायमेंशन पर्सनैलिटी हैज टू टाइप्स, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, पढ़ लेने दो, पर्सनैलिटी हम लोग देखते हैं कि क्या है। इंट्रोवर्ट are described as people who share characteristics such as shyness, social withdrawal, tendency to talk less. They have their own internal world of ideas, thought, behavior, interests, and attitude. Introvert people are self-centered and able to adjust easily in social situations. They are not easily suggestible. They are future-oriented, very sensible and rigid in ideas. मतलब कि जो हमारे इस टाइप के पर्सन होते हैं उसमें क्या होता है मोस्टली ये होता है कि ये किसी दूसरे से ज्यादा बात करने में इन सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इनको अपना मतलब सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा होता है कि ये अपने में ही रहते हैं। ठीक है, अपने में रहने का मतलब इनके खुद के आइडियाज होते हैं, खुद के थॉट्स होते हैं, खुद का भी मतलब अपने आप को बिल्कुल अलग समझते हैं और मतलब ये सारी चीज इस टाइप के उनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप मतलब होता है। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि ये एडजस्ट भी नहीं कर पाते खुद को। होता ना कि बहुत से पर्सन होते हैं कि वो सबके साथ में एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन जब हमारा एक सोशली रूप से इसको हमने डिफाइन किया है तो जो हमारे इंट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो दूसरे के साथ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हमारे इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन होते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है वो क्या होता है, दीज पर्सन हैव टेंडेंसी टू बी आउटगोइंग, फ्रेंडली, टॉकटिव एंड सोशल इन नेचर। मतलब कि सेम जस्ट अपोजिट इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में क्या होता है वो अपना सेल्फ में मतलब खुद से मतलब रखते हैं, खुद में ही रहते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सट्रोवर्ट होता है वो क्या होता है वो सोशल रूप से एडजस्ट होने में बहुत इजी हो जाता है। ठीक है,
उसका बिहेवियर बिल्कुल फ्रेंडली होता है, मतलब किसी के साथ में भी मतलब हंसी मजाक सारी चीजें उसकी एक तरीके से उस पर्सन से डिफरेंट होती हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। और सोशली वर्क में मतलब कि किसी की हेल्प करना है या कुछ भी करना है तो वो उसके लिए हमेशा आपके साथ में रहेगा। इसके बाद में फिर हमारे कुछ और आई हैं, जैसे कि अभी आपने फिजिकली रूप से देखा कि मतलब हमारा शेल्डन्स हो गया, सोशली रूप से आपने क्या देखा, जंक्स का क्लासिफिकेशन था। अब आया है इमोशनल डायमेंशन पर्सनैलिटी, इमोशनल रूप से जो हमारी पर्सनैलिटी को किस तरीके से किसने डायमेंशन को मतलब दिया गया है, अकॉर्डिंग टू बिग फाइव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बिग मतलब इसमें बिग फाइव थ्योरी बता दी गई है किसके लिए, हमारे इमोशनल डायमेंशन के लिए, ठीक है। द पर्सनैलिटी डिपेंड्स अपॉन फाइव एम्बीवर्ट क्या होता है, क्या बेटा मैम एम्बीवर्ट क्या होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, तीसरा बेटा इंट्रोवर्ट मतलब कि जो एक पर्सन इस यहाँ पे सोशली रूप से उसको हमने दिखाया है कि किस तरीके से वो उसका बिहेवियर है, ठीक है, कि मतलब वो अपने में ही रहता है, वो सोशली रूप से नहीं एडजस्ट कर पाता है अपने आप को, ठीक है, अगर उसे कोई वर्क बोला जाएगा या कुछ भी बोला जाएगा तो वो दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो मतलब स्कूल जाने पे भी या कहीं किसी के साथ भी रहेगा तो उसका जो बिहेवियर वो फ्रेंडली रूप से इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकता। बट जो हमारा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, एक्सट्रोवर्ट के जो पर्सन होते हैं वो इजी वे में अपने आप को एडजस्ट करने में हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। ओके मैम, यही पूछ, ओके। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इमोशनली रूप से हमारी कुछ फाइव थ्योरीज दी गई है, वो कौन सी है देखते हैं हम लोग एट सेंस के बाद में। ये इसमें एक चार्ट दे रखा है, लेकिन इसकी क्या कहते हैं, ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हम इसमें आगे आते हैं। ओपिनियंस टू एक्सपीरियंस फर्स्ट में आते हैं, दे अप्रिशिएट आर्ट, एक्सप्रेस हाई इमोशंस, परफॉर्म एडवेंचर्स एक्टिविटीज, अनयूजुअल आइडियाज, क्यूरियोसिटी, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। ओपिनियंस रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, मतलब कि ओपिनियंस ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि जो हमारे इस टाइप के मतलब पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम खुले हुए ढंग के होते हैं, उनको एडवेंचर एक्टिविटीज या मतलब होता नहीं कि डेंजरस एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी मतलब एक चैलेंज के रूप में जो उनको मिलता है उन एक्टिविटीज को करने के लिए वो ऑलवेज क्या होता है, मतलब उनके अंदर ये क्रेज होता है, ठीक है। इसके बाद में कॉन्शियसनेस, दे हैव द टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन, एक्ट ड्यूटीफुल एंड एम फॉर अचीवमेंट, देयर बिहेवियर इज प्लान्ड रादर देन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि एक तरीके से अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ इसमें सारी चीजें जो होती है मतलब कि वो अपने आप अपने एम को लेकर के बहुत केयरफुल होते हैं, ओके। तो इस टाइप से मतलब इमोशनली हम इसको क्या कहते हैं, फिट इस तब मानते हैं जब देखिए पैसा देना ही है, नेपल देना ही है पैसा, क्या हुआ, सॉरी सॉरी मिस, सॉरी सॉरी गलती से माइक ऑन हो गया, सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करिए मीटिंग।